कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गाला फार फार के बोला था, दीदी दीदी, और वो बंगाल की शेरनी अकेले भाई नरेंद्र मोदी को पछाड़ करके और चित करके उनको छोड़ने का काम किया। तो हम कहेंगे, जब आप दीदी को दीदी कहते मोदी जी, तो आपकी भी वो दीदी है और पूरे बंगाल और भारत की दीदी है। अपमानित शब्द में उनको मत बोलो, दीदी सम्मानजनक लोग हैं और वहाँ बहुत सारे लोग हमको बुला रहे हैं और यहाँ माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी भैया का आशीर्वाद मिला है कि जाओ और जा करके भाजपा को भगाओ और दीदी को जिताओ। तो हम लोग निरंतर सेकुलर लोग हैं और बढ़िया सभी जाति धर्म के लोग को A to Z की पार्टी है RJD और दीदी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। बंगाल के भवानीपुर में उपचुनाव होने हैं और ममता बनर्जी इस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और RJD भी है ममता बनर्जी को जिताने के लिए पूरा जोर आजमाइश कर रही है। कृष्णा यादव हैं, लालू यादव की मिमिक्री करते हैं, भवानीपुर जा रहे हैं ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार करने के लिए। किस तरीके से प्रचार करिएगा दीदी के लिए? दीदी के लिए यही प्रचार करेंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गाला फार फार के बोला था, दीदी दीदी, और वो बंगाल की शेरनी अकेले भाई नरेंद्र मोदी को पछाड़ करके और चित करके उनको छोड़ने का काम किया। तो हम कहेंगे, जब आप दीदी को दीदी कहते मोदी जी, तो आपकी भी वो दीदी है और पूरे बंगाल और भारत की दीदी है। अपमानित शब्द में उनको मत बोलो, दीदी ये क्या है, इस चीज को हम लोग रखने का काम करेंगे। कि बताइए, जब आप दीदी कहते हो, प्रधानमंत्री हो भारत के, और आप कह रहे हो दीदी, ये क्या तरीका है करने का? ये सब चीज पर हम जाके बोलेंगे और बोलेंगे कि ममता बनर्जी जो है वो बंगाल की शेरनी, बंगाल की बेटी है और इसको वोट देने का आप लोग काम कीजिए। और इससे बड़ा विकास कौन कर रहा है बंगाल में? अभी दिन दुगनी रात चौगनी ममता बनर्जी विकास कर रही है और BJP तो ये तानाशाह पार्टी है, ये हिंदू मुस्लिम करवाते। और अभी देखिए, बंगाल जब से दीदी जीती है एकदम शांतिमय है और हर एक सेक्टर में काम हो रहा है। और हमारा राष्ट्रीय जनता दल, इसलिए आज मैं जा रहा हूँ वहाँ कि दीदी के सपोर्ट में छोटा लालू आया है उपचुनाव के कलकत्ता के वोट में और नरेंद्र मोदी जी को चित करने का हम लोग काम करेंगे। दीदी जीतेंगे? बिल्कुल, अरे दीदी को तो हराया जबरन ये लोग, हार के भी दीदी जीत गई। और माननीय प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री वर्सेस मुख्यमंत्री लड़ाई था, प्रधानमंत्री तो हार गए बंगाल में। तो इनको थोड़ा सा भी है तो दीदी को इस तरह से दीदी ना कहे। दीदी सम्मानजनक लोग हैं और वहाँ बहुत सारे लोग हमको बुला रहे हैं और यहाँ माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी भैया का आशीर्वाद मिला है कि जाओ और जा करके भाजपा को भगाओ और दीदी को जिताओ। तो हम लोग निरंतर सेकुलर लोग हैं और बढ़िया सभी जाति धर्म के लोग को A to Z की पार्टी है RJD और दीदी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। चलिए, कृष्णा यादव भवानीपुर जा रहे हैं ममता बनर्जी के पक्ष में, एक तरह से कह सकते हैं कि ताकत झोंकेंगे, और तेजस्वी यादव के कहने पर कृष्णा यादव बंगाल जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4।